नमस्कार, मैं ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल के सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि वो सारे सेक्शुअल मूवमेंट का हिस्सा बने और बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे। थैंक यू सो मच, नमस्कार। तो ये नागरिक मुद्दे हैं जिन्हें कानून लागू करके और जागरूकता के साथ ठीक किया जा सकता है। But the real issue is soil. पर असल मुद्दा मिट्टी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों के लिए ही खेती की मिट्टी बची है, यानी हमारी खेती करने के लायक जमीन 45 से 60 सालों तक ही बचेगी। वो इसे मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। आपने डायनासोर या डोडो के विनाश के बारे में सुना होगा, पर अब हम मिट्टी के विनाश की बातें कर रहे हैं। असली समस्या मिट्टी का गायब होना है, क्योंकि पिछले 30 सालों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो गए हैं। 80%, ये आत्महत्या है, ये वाकई आत्महत्या है। तो 45 या 50 साल के बाद धरती पर भोजन का गंभीर संकट होगा, ये होना ही है। जब भोजन का संकट आएगा तो जिसके पास सबसे बड़ी बंदूकें होंगी वो आकर भोजन ले जाएगा, और दुनिया भर में लोगों के लिए हम जो दुख और दर्द पैदा करेंगे उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या आप जानते हैं, यूएन एजेंसी कह रही है हमारे पास केवल 60 सालों के लिए ही उपजाऊ जमीन बची है। वो यह भी बताया जा रहा है कि 2045 तक हम 40% फूड का उत्पादन कम कर रहे होंगे। ये तो हो गई समस्या, समाधान क्या है और इस मूवमेंट में हम कैसे हिस्सा बन सकते हैं? आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम यहाँ पर बैठे 1,000, 2,000, 5,000, 10 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर हम सेव सोल मूवमेंट से लेकर के कंटेंट शेयर कर सकते हैं। हम बन सकते हैं भूमित्र, अर्थबड़ी। आपको सिर्फ ये करना है कि स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आपको देना है मिस कॉल 800003003, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही है उस पर लिंक पर क्लिक करके आप सेव सोल मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि ये क्यों है, क्या है और ये कैसे काम करेगा। तो आइए हम मिलकर इसे संभव बनाते हैं। सेव सोल, लेट्स मेक इट हैपन। नमस्कार। ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट धार इस मिट्टी बचाओ अभियान के साथ है, और हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप भी सब इस मिट्टी बचाओ अभियान से जुड़ें, ताकि हमारे मिट्टी का की सुरक्षा हो और हम मिट्टी को संरक्षित कर सकें। यह एक बहुत ही महान कार्य है।